हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका नूर्स किचन में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मटन बिरयानी की रेसिपी, जो बच्चे हो या बड़े सभी लोग बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 kg मटन ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें हम फ्राई किए हुए प्याज डालेंगे। हमने 2 प्याज को पहले ही फ्राई कर लिए थे। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही, दही खट्टी होनी चाहिए, 2 कटे हुए टमाटर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा मरीच पाउडर, 4 हरी मिर्च कटी हुई, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पत्ते कटे हुए, 1/2 नींबू का रस, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब कुकर में 1 कप ऑयल गरम करके उसमें मटन डाल देंगे। अब अच्छी तरह से इसे हम 10 मिनट तक भूनेंगे। 10 मिनट हो गए, अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे। 2 सीटी लगाएंगे। अब 1 डेक्ची में पानी गर्म करके उसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। 3 हरी मिर्च कटी हुई, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी, 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, 1/2 नींबू निचोड़ देंगे और उसके छिलके भी उसमें डाल देंगे। इस नींबू डालने से चावल आपके चिपकेंगे नहीं। नमक हमने मटन में भी डाले हैं, इसलिए हिसाब से डालें। 1 कप ऑयल, यहाँ पर हमने 1 kg चावल लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। चावल को हमने 2 घंटे पहले ही भिगोकर रख दिए थे। भिगोए हुए चावल जल्दी पकते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। 5 मिनट हो गए हैं, चावल चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल हो गए हैं। अब इसमें से हम नींबू निकाल लेते हैं और चावल को पानी से अलग कर लेते हैं। अब चलते हैं हम मटन की तरफ। ये देखिए मटन पक चुके हैं, अब इसे हम ग्रेवी से निकाल लेंगे। अब इसी ग्रेवी में हम आलू डालेंगे। आलू को मैंने पहले ही फूड कलर से कलर कर लिया है। अब इसको हल्का फ्राई करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे गलने के लिए रख देंगे। 1 सीटी लगाएंगे। अब हम बिरयानी के लिए लेयर डाल लेते हैं। अब 1 डेक्ची में ग्रेवी का ऑयल डालेंगे, जो मटन में से हमने निकाले थे। उसके बाद उसमें चावल डालेंगे। चावल को अच्छे से फैलाएं। उसके बाद उसमें मटन डालें। हम इसे 2 लेयर में बनाएंगे। आधा मटन डालें, उसके बाद उसमें फिर चावल डालें। अब पके हुए आलू डाल देंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर चावल डालेंगे। थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे, फिर उसके ऊपर चावल डाल दें, फिर उसके ऊपर मटन डालेंगे।
फिर थोड़ा सा ग्रेवी डालें मटन का जो बचा हुआ है, अब उसके ऊपर से चावल डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालेंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे, उसके बाद दूध डालेंगे, थोड़ा सा फूड कलर जिसे मैंने दूध में घोल लिया था उसे डाल देंगे। अब इसके ऊपर फ्राई किए हुए प्याज डालेंगे। अब बारीक कटे हुए धनिया पत्ते डालेंगे, मीठा अदरक डालेंगे, इससे बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब बिरयानी दम पे जाने के लिए रेडी है। अब इसे हम तवे पर रखकर दम लगा लेंगे। तवा रखने से नीचे से जलती नहीं है। 10 मिनट के लिए रखेंगे लो फ्लेम करके। 10 मिनट हो गए हैं, बिरयानी चेक कर लीजिए। बिरयानी अब सर्व करने के लिए रेडी है। इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनेगी, है ना, बहुत आसान रेसिपी, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।